आखिरकार एक पक्ष का इंतजार कुछ खत्म हुआ। आज एनडीए ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन के सभी घटकों के बीच सीट के बंटवारे की विधिवत घोषणा कर दी। एनडीए द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कुल 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर, जदयू 16 सीटों पर, लोजपा 5 सीट पर, हम पार्टी 1 सीट पर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम पर भी पेंच फंसा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल 19 मार्च तक इंडिया गठबंधन भी सीटों के बंटवारे पर से पर्दा उठा देगा। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए का कौन सा घटक किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, आइए डालते हैं एक नजर। बीजेपी 17 सीटों से चुनाव लड़ेगी, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम शामिल है। वहीं अगर जदयू की बात करें तो जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, शिवहर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, सिवान, नालंदा और गोपालगंज शामिल हैं। वहीं अगर एलजेपी की बात करें तो एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और खगड़िया शामिल हैं। वहीं हम पार्टी गया से चुनाव लड़ेगी। अगर वहीं बात करें एलएम, वहीं आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करें तो ये काराकाट से चुनाव लड़ेगी। बारसोई में खुल गया है आंखों का अत्याधुनिक अस्पताल अतीक आई केयर एंड हॉस्पिटल, जिले का सबसे विश्वसनीय नेत्र चिकित्सालय। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम द्वारा आंखों के सभी रोगों का इलाज किया जाता है, वो भी काफी कम खर्च पर। हमारे यहाँ लंदन से लौटे कोलकाता के प्रसिद्ध रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ साथ नेपाल के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा भी समय समय पर इलाज किया जाता है। कॉन्टेक्ट पर्सन डॉक्टर कुर्बान अली, फोन नंबर 8987002565। पत्रकार से लेकर न्यूज एंकर और एडिटर बनने के शौकीन युवक युवतियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी सीखना चाहते हैं पत्रकारिता, अगर आप बनना चाहते हैं न्यूज एंकर या बनना चाहते हैं एडिटर, अगर आपको है कंप्यूटर, आईटी और हिंदी साहित्य का नॉलेज, अगर आपके अंदर है स्पीकिंग पावर, तो आप सबके लिए है बड़ा मौका। केबीसी न्यूज प्रदान करता है पत्रकारिता से जुड़े सभी फील्ड में कदम बढ़ाने का शानदार अवसर। आइए केबीसी न्यूज के साथ कदम से कदम मिलाकर खुद को और अपने शहर को आगे बढ़ाएं। आवेदन देने की अंतिम तारीख 21 मार्च गुरुवार। ध्यान रहे, हमारे पास लिमिटेड जगह है। आवेदन देने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601, मोबाइल नंबर 9297979727। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431229220। ईमेल आईडी kathiar@kbcnews.in। आपको अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एक फोटो देनी है। आवेदन फॉर्म हमारे कार्यालय में निशुल्क उपलब्ध है। वेतनमान 20,000 तक, योग्यता अनुसार।